दोस्तों आजकल हर कोई सेल्फी के पीछे पड़ा है। ऐसे में वीवो ने लॉन्च किया था एक कमाल की सेल्फी स्मार्टफोन। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आपको टेक्निकल फ्रेंड में स्वागत करता हूँ। दोस्तों वीवो ने V5 के बाद लॉन्च किया है वीवो V5S। तो दोनों में चेंजेस ये है कि स्टोरेज को 32GB से 64GB की गई है और पीछे की एंटीना लाइन को आईफोन जैसे कर दिया गया है, जिसकी प्राइस है 18,990। अब हम कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा 5.5 इंचेस का IPS HD डिस्प्ले। जो रैम है वो आपको मिलेगा 4GB का DDR3 रैम। स्टोरेज सिर्फ ठीक है 64GB की। प्रोसेसर है मीडियाटेक का 6750। तो रैम और प्रोसेसर बेकार दी गई है। फ्रंट कैमरा है 20 मेगापिक्सल का, रियर कैमरा है 13 मेगापिक्सल का। तो ये फ़ोन सिर्फ सेल्फी के लिए ही अच्छा है। तो दोस्तों बस आप नोटिस कीजिए कि 19,000 में अब 13 मेगापिक्सल से अच्छी कैमरा स्मार्टफोन ले सकते हैं, जिसकी प्रोसेसर और रैम स्पीड भी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि इस वीवो V5 में सेल्फी कैमरा के अलावा और कुछ अच्छे फीचर्स नहीं है। प्रोसेसर मीडियाटेक का है, रैम DDR3 का है जो बहुत स्लो काम करेगी, क्विक चार्ज नहीं दी गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों बाकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। जो मेन यूनिट है वही अच्छा नहीं है तो भाई अंदर मिलेगा क्या। अगर आप सेल्फी के लिए ही 19,000 खर्च करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना ये मोबाइल मत लीजिए। क्योंकि आजकल सेल्फी मार्केट पर ज़्यादा चल रहा है और वीवो ने इसके फ़ायदा उठाकर 20 मेगापिक्सल कैमरा के साथ सब लो क्वालिटी की चीज़ मोबाइल पे दी है। ठीक है, मगर प्राइस इसके हिसाब से अच्छी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी फ़ोन नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप अभी तक टेक्निकल फ्रेंड आर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और घंटा को बजा दीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे टेक्निकल वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।